बीजेपी तो पहले ही वॉशिंग मशीन में डालती है अपराधी को और बढ़िया लीडर बना के निकाल देती है। वैसे दो महीने बाद तो आपकी आय दोगुनी हो जानी है 2022 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है देखो गन्ने का रेट बढ़ाया 35 रुपए पूरे 5 साल के 4.5 साल में 35 रुपए बढ़ाया, 10 रुपए पहले, 10 रुपए पहले बढ़ा, 25 रुपए अब बढ़ा है। अगर इसे हम क्विंटलों में ना जोड़ के किलो में जोड़े तो 1 पैसा प्रति किलो बढ़ा है। और डीजल का रेट तो आप खुश नहीं है इस प्राइस से? खुश हमें को हम बिल्कुल खुश नहीं है, ये बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे से भी वो कोई छोटी कहावत हो तो वो है ये। अब सरकार की जितनी सहनशीलता थी, जितना झुक सकती थी अंबानी अडानी के आगे, अब झुक चुकी है सरकार की कमर, टूट चुकी है। अब सिर्फ दिखावे के लिए सरकार हर धर्मिता पे अड़ी है, गलत बात है ना, उन्हें दुख बांटना बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। बाकी किसान लीडर भी तो जाते, तभी तो उन्हें जाना चाहिए था, वो सही नहीं था हमारे लिए, तो वो भी अपराधी थे हमारे लिए, वो बिल्कुल चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अपराधी थे वो, उनके वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वो गलत था, उसके लिए बिल्कुल हम उसमें विरोध करते हैं, हम भी विरोध करते हैं। कोई भी आदमी कोई भी काम करेगा आज के ज़माने में नहीं छुपा नहीं सकता अपने आप को, वो बाहर आएगा, तो वो गलत है तो गलत है। चलो बयान दिया था लेकिन उसका स्पष्टीकरण भी साथ में दिया उन्होंने, अब वो स्पष्टीकरण दिया उन्होंने, देखो होती है बात, वो मैंने आपको कही है कि मीडिया के सामने बात फिसल जाती है कहीं ना कहीं, कहना कुछ और चाहता है आदमी, हो कुछ और जाता है, लेकिन आदमी स्पष्टीकरण ना देके उसी बात पे अड़ा रहे तो वो गलत है। आंदोलन में कई नेता कह रहे हैं कि टिकैत साहब ने गलत बयान दे दिया कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन कैसे हो सकता है, जाटों ने तो आंदोलन किया इस चीज को लेकर, बिल्कुल, और ये तो उसी के खिलाफ बोल रहे हैं टिकैत साहब। तो कोई बात नहीं, उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो दे देंगे, तो कार्रवाई होगी क्या इन पे? नहीं कार्रवाई तो देखो करना ना करना हमारे किसी एक सिंगल आदमी के हाथ में नहीं है, चढ़ूनी साहब पे कार्रवाई होती है, योगेंद्र यादव की हो जाती है। बिल्कुल देखो संयुक्त मोर्चे का अपने एक अपना उनका लीडरशिप है, एक अपना उनका ख्याल है, उस हिसाब से होनी चाहिए, उस हिसाब से तो होना बिल्कुल होनी चाहिए। देखो सारे नेता सब बराबर है, कोई ये नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, 32 के 32 है, सबकी जुबान हिलती है, कोई डिसीजन लेते हैं उनमें एक प्रधान चुना जाता है, तो सबका बिल्कुल सबका सेम है, कोई बड़ा ना छोटा नहीं है। पाँच ही 11 महीने कंप्लीट हो गए इस आंदोलन को, 12वें महीने में आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली किसानों को। सफलता तो देखो सीधे तौर पे तो नहीं मिली, लेकिन वैसे किसानों को पता चल चुका है कि किसानों की कितनी बड़ी अनुभव, किसानों को 11 महीने से पूरा अनुभव हो चुका है कि सरकारें किस तरह से चलती हैं और किस तरह से हमारा शोषण होता है। हमारी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी हैं, सरकार की खुलनी बाकी थी, लेकिन सरकार की भी लग रहा है कि यूपी का उपचुनाव है, जैसे टाइम नजदीक आ रहा है तो सरकार की भी आंखें खुलने वाली है, विधानसभा चुनाव है। हाँ मतलब जैसे भी होगा यूपी का चुनाव आ रहा है तो लगता है अभी कहीं ना कहीं सरकार की आंखें भी बहुत जल्दी खुलने वाली है। 11 महीने में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है किसान आंदोलन से। क्या उपलब्धि? पूरे देश में किसानों को पता चल चुका है कि सरकारें, चलो ये सरकार अब आई है, इससे पहले जो सरकारें थी, आने वाली सरकारें हैं, सब किसानों का शोषण कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से करती आई है। तो किसानों को सब पता है, देखो कानूनों के माध्यम से भी और बहुत सारी चीजें जो पहले हुई देश में आगे होने वाली हैं, बहुत सारी चीजों में बारीकियों में भी और मोटे तौर पे भी बहुत कुछ किसानों को सीखने को मिला है। आपको लगता है सरकार जो चुनाव होने वाले हैं उनसे उसमें कोई डर है सरकार को? बिल्कुल सरकार बौखलाई हुई है, सरकार को बहुत बड़ा डर है, भी सरकारों को पता है कि आने वाले टाइम में देखो हरियाणा पंजाब में तो पूरी तरह से बीजेपी का बायकॉट है, खुले छार शरेआम डरते हैं वो निकलते हुए भी घरों से। यूपी में भी शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारी जगह पे काले झंडे भी दिखाए जाते हैं और पूरी सिक्योरिटी तैनाती के बाद ही निकल पा रहे हैं। और यहाँ तक की बात है देखो सरकारें कहीं ना कहीं मोदी जी तो मैं नहीं कहूँगा, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री और योगी और मोदी के कहीं ना कहीं बीच में डिफरेंस आने की बातें आई हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू हो रहा था कि लखनऊ में टिकैत आ रहे हैं तो उन्होंने कहा हम स्वागत करेंगे, पहले उनकी बोल और था, पहले ट्विटर पे उन्होंने एक फोटो डाली थी कुछ और तरह के व्यंग कस के, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा बहुत उनकी जबान लड़खड़ा रही है योगी की। लोग तो कह रहे हैं आपने योगी के डर से कैंसिल कर दी पंचायत। नहीं वो देखो समय के हिसाब से पंचायत होगी, समय में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का संयुक्त मोर्चा को कोई चीज किसी ना किसी चीज, क्योंकि एक लखीमपुर में कांड हुआ शायद उसकी वजह से या किसी भी चीज की वजह से डिगमगा रहा है किसान आंदोलन। नहीं किसान आंदोलन तो देखो अपने टाइम पे 11 महीने 26 तारीख को बीत चुके हैं और ये 12वां महीना चालू हो चुका है आंदोलन अपने पूरे। जब भी किसानों को जरूरत पड़ती है, गाजीपुर बॉर्डर हुआ, सिंघू बॉर्डर हुआ या कोई भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है, पूरे भारतवर्ष में पूरी प्रबुल तरीके से, चाहे डीएम कार्यालय घेरना है, चाहे कोई रोड जाम करना है, चाहे बाजार बंद है, सब जगह पे देखने को मिलती है। पहले सिर्फ ये बॉर्डरों पे होता था आंदोलन, अब पूरे देश में एक आवाज पे पूरा देश तैयार है, पूरे देश में हलचल देखने को मिलती है। सर आपने बंद की बात करी, अब सवाल उठने लगे, पहले तो लोग आपके ऊपर फूल बरसाते थे, अब कह रहे हैं कि रास्ते बंद हो गए, हमें बड़ा नुकसान है, जनता परेशान हो रही है। देखो रास्ते बंद कहीं नहीं है, हम भी आते हैं आंदोलन पे चले जाते हैं, रास्ते जो बंद कर रखे हैं, बैरिकेडिंग कर रखी है, वो पुलिस ने कर रखी है, किसानों ने कोई बैरिकेड नहीं कर रखी। अगर ये रास्ता बंद है तो इससे पहले पुलिस ने ये रूट ही डाइवर्ट करके चेंज कर रखे हैं। बंद जगह पे किसान बैठा है, जो रास्ता बंद किया है, हम तो दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं, आज रूट खुल जाए हम आज बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं, हमें तो खुला जगह कोई मैदान मिल जाए कोई और जगह मिल जाए। जा भी कहां रहे हैं? दिल्ली नहीं जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए एक टाइम
एक टाइम होना चाहिए, हमारी जो रणनीति होगी वो बिल्कुल काम करेगी। सरकार उससे पहले डरी हुई है, खोलने को तैयार नहीं है। अगर झंडा लगा के जाते हैं दिल्ली में एंट्री होने के लिए बहुत सारी जगह है, 26 तारीख से पहले तो खुले हुए थे रोड, 26 तारीख के बाद बंद हुए ना ये जो पक्की दीवारें करी हैं। चलो बंद हुए, कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि दिल्ली में जाना सही नहीं है किसानों के लिए, इसलिए सरकार खुद ही रोड बंद करती है और खुद ही सुप्रीम कोर्ट में जाके बताती है कि किसानों ने रोड बंद करे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है, किसानों को बताया, किसानों ने तो दिखा दिया उन्हें कि हमने तो बंद करा ही नहीं है, हमने तो पहले भी खोल रखा था, आज भी खोल रखा है, दीवारें हैं तो सरकार की तरफ से, यहाँ कील है तो सरकार। 7 दिसंबर तक का टाइम दिया है कोर्ट ने। हाँ चलो दिया है, लेकिन जो जिस जगह पे रोड पे बैठे हुए हैं किसानों ने खाली कर दिया ऑलरेडी। मेरे हिसाब से कोई कहीं पे ब्लॉकिंग किसानों की तरफ से नहीं है, जहाँ पे भी है सरकार की तरफ से ही है, चाहे सिंगल बॉर्डर। सरकार आगे जाने दे आपको, दिल्ली में कहाँ जाओगे? देखो इसके लिए तो हमारा लीडर तय करेंगे, हम उनके बिल्कुल पीछे चलेंगे। अगर दिल्ली के लिए पहली बात तो सरकार देगी नहीं, अगर देगी कहीं तो बिल्कुल लीडर जैसे जो तय करेगा संयुक्त मोर्चा उसके हिसाब से चलेंगे। इसमें कोई पूरा हमें निश्चित नहीं पता है। नहीं सवाल उठता है कि किसान कहते हैं हमें दिल्ली जाने दो, सरकार कह रही हमने तो जाने दिया था, निरंकारी मैदान दिया था। नहीं वो मैदान जब दिया था तब मैदान का टाइम था, सिंगू बॉर्डर के आसपास के लोग थे, कुछ किसान उसमें गए भी, लेकिन उन्हें लगा कि ये मैदान कम और जेल ज्यादा है, तो इसलिए वो छूट नहीं करा, छोड़ दिया गया। पाजी आपको नहीं लगता जब 11 महीने बॉर्डर पर बैठे हुए सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो अंदर जाने से क्या कोई फर्क पड़ेगा इस सरकार को? नहीं फर्क तो सरकार पे बहुत बड़ा पड़ रहा है। देखो सरकार की हर आदमी की सहनशीलता होती है। हाँ देखो कहीं ना कहीं तो सरकार की क्रूरता भी है, जो इनके मन में कहीं लगता है कि हम शायद टिकट लेने के चक्कर में, राजनीतिक जो लोग होते हैं वो सुर्खियों में आते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी टिकट और पक्की हो जाएगी। बहुत बड़ा क्रूरता वाला काम हुआ है जो हमारे देश के प्रदेश गृह मंत्री हैं उनके ही बेटे के द्वारा। क्लियर हो जाएगा दिसंबर में किसको टिकट चाहिए किसको नहीं चाहिए। हाँ नहीं वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के लिए राजनीति के तौर पे उन्होंने अपना पहले बयानबाजी उल्टी करना, उसके बाद प्रक्रिया ऐसी करनी। सर जो किसान नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उनमें फूट पड़ गई है क्या? नहीं देखो अगर 32-33 लोग हैं वो, अगर कोई एक आधे किसी की विचार नहीं मिलते हैं, कोई ना कोई बयानबाजी या कोई ना कोई चीज़ मीडिया, देखो आप सवाल करते हो मेरे से भी कर रहे हो सकता है मेरे से जबान फिसल जाए मेरे से कुछ निकल जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा तालमेल में कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है। लेकिन योगेंद्र यादव और चढ़ूनी साहब इतने हल्के तो नहीं है कि उनकी जुबान फसलेगी, उनको निकाल दिया कई बार सस्पेंड कर दिया है। नहीं देखो चढ़ूनी जी का अपना वर्चस्व है, वो अपने हिसाब से बात करते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो 32 लीडरों से मैच नहीं खाती, लेकिन वो तो बिल्कुल बने हुए हैं ना। योगेंद्र यादव ने दो चीज़ों में काम किया है, देखो हर जगह पे हर आदमी सही नहीं होता, वो बीजेपी के जो दोबारा जो मतलब उस कार्यकर्ता थे और हमारे जिन्होंने किसानों को कुचला था उसमें वो सवार थे, वो भी बिल्कुल दोषी थे, उनकी मृत्यु हुई। देखो मृत्यु किसी का भी लड़का जाता है बेटा जाता है तो देखो दुख तो सबको होता है। देखो सरकार है, सरकार के सामने जो भी कर सकते थे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंदोलन है, आदमी भी ज़्यादा हैं, गिनती भी ज़्यादा है, लीडर भी हैं, सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को ये तो पता चला कि सरकार जो है वो सरकार नहीं है, वो बिजनेसमैन के हाथ में सरकार है। और इस चीज़ को अगर कहीं ना कहीं देखो मोदी जी भी कहीं ना कहीं मोदी भी बेबस है, शायद कहीं ना कहीं उनके अंदर भी भावना हो कि हम किसानों को नहीं तड़पाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी एग्रीमेंट के तहत या किसी भी चीज़ के लिए मजबूर हैं जो वो वापिस नहीं कर पा रहे। 16 जो उसमें अमेंडमेंट है उन्हें करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बिल्कुल रिपील नहीं कर पा रहे। जिस प्रकार कहा जाता है किसान मजदूर का आंदोलन है, लेकिन देश में एक इतना बड़ा तबका है जो भूमिहीन है, क्या उनको भूमि देने के लिए भी कोई बात यहाँ या कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा इस आंदोलन के साथ भी? देखो किसानों का आंदोलन है ना ये? नहीं है तो किसानों और मजदूरों का, दोनों का आंदोलन है। किसानों के बिना मजदूर कुछ नहीं है और मजदूर के बिना किसान कुछ नहीं है, दोनों को तालमेल से चलना। तो आप जानते ना इस देश में भूमिहीन बहुत लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं। देखो कानून तो बहुत सारे बनाने की आवश्यकता है, अब जब बिल रिपील होगा। नहीं कहा जाता जो सरकारी जमीन है उन जो भूमिहीन लोग हैं उनको दे देनी चाहिए। देखो हम लीडरशिप तक बात पहुंची होगी किसी ना किसी तरह, लीडरशिप के पास भी कोई प्लान होगा, जब बिल रिपील होंगे तो सरकार से कुछ बातें होंगी, उनके पास भी कोई प्लान होगा लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लोगों के फायदे के लिए। अब उसके बारे में तो ज्यादा चीजें उन्हें ही पता है, हमारे तुम्हारे जैसे तो मांग उठा सकते हैं हम तो। देखो ऐसी कोई मांग उठी नहीं है देश में, ऐसा कोई बात अभी तक सामने आई नहीं है, शायद इसके बारे में कुछ लीडरों ने सोच रखा हो, कुछ हो उनके पास। सर सिरसे से फिर एक वीडियो आ रही है, फिर तनाव की स्थिति बन रही है वहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच में, कैसे देख रहे हैं? देखो बीजेपी अपनी जो फेलियर है उसको छुपाने के लिए पुलिस को आगे कर रही है बार बार, लेकिन वहाँ पे सबको पता है कभी पुलिस पकड़, हरियाणा की पुलिस ऐसी है खट्टर बयान दे देता है उसके बाद पुलिस पकड़ती है, और बाद में चढ़ूनी के एक बयान पे डर भी जाती है पुलिस, पुलिस नहीं डरती, देखो सरकार डरती है तो पुलिस को फिर कहीं ना कहीं छोड़ के पीछे हटना पड़ता है। हरियाणा में बीजेपी का वर्चस्व बिल्कुल खत्म है।